हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं जयपुर। ये हम गिरम का इतना अजीब से गौरव को शर्म आ रही है। आपको भी कुछ बोल क्या बोलूं, ट्रेन रुकी है 15 मिनट से। अरे आर्टिस्ट हो तुम गौरव कपूर, ऐसे शर्माते नहीं है। बंद करो। इंडिगो में एक पोहा मिलता है, वो बहुत अच्छा है। इससे सर गुजिया बच्चे लोग को डांटती है आस पास वालों से कोई सामान लेने में। तो क्या हुआ, ट्रेन में तो ऐसे होता है, थप्पड़ मारती है, ऐसे चूटी नहीं काटती, ऐसे काटती है। स्वाद अलग हो गया तो ट्रेन में अलग ही पिकनिक नहीं चलती। सर आई मिस कटलेट, राजधानी का कटलेट एंड ब्रेड नोनू को लाए हम साथ में ताकि कुली ना करना पड़े, लाल कपड़े पहना करके। नोनू और पापा आए साथ में परचेज बायर्स और दुकान, और मैं शो करके चले आऊंगा। तो आपको बता दें हमारी शॉप पे जयपुर का माल मिलता है। रेडी फॉर टेकिंग एन ऑटो नोनू, इसमें पीछे से गायब होता है बेटा, आगे लेके बैठो जरा। राइड फॉर टूडे। Hey guys, going to the hotel now. That is how we travel. यूजली हर कैब वैब आ जाती है, कैब वाला सीन अलग था। मेरा 1:30 बजे की फ्लाइट भी थी वो मैं छोड़ के, तो मैं ट्रेन लेके आ गया। तोड़ दो भैया, तोड़ दो, किसी के ऑटो में छुआ दिया भैया ने मस्त। ओके दोस्तों, देखो कौन है जयपुर, खैर दिखाई दिया पहले भी। एंड फाइनली वी हैव चेक्ड इनटू आवर होटल इन जयपुर, अलसीसार हवेली में रुके हैं इस बार हम। पिछली बार सामूद हवेली में रुके थे। जयपुर में आता तो यूजुअली आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ होटल्स ओनली, क्योंकि कहीं और नहीं मिलते ऐसे मजेदार। अच्छा हाँ, वैसे मैंने दूसरा कोई तो मैंने वही करवा था, रेगुलर होटल जो अपने रहते हैं। फिर श्री ने बोला जयपुर जाए, जयपुर वालों ने हयात है भी नहीं, अभी हयात मैरियट करवा था फिर चेंज करा। मस्त है, सुंदर से है, ये वाले होटल अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं लग रहा बनारस वाले घर को अपने अगर ऐसे करके भेज दो। ये जो चीजें लगी हुई है ये सारी पुराने जमाने की चीजें है, ये जो ये पिलर है ये जो इस टाइप से ये बनी हुई है ये सब नानी के घर सब ऐसे ही था सारा, सब इसी चीज इस चीज से बना हुआ सारा। इनकी पोछे वाली बाइक कितना लेती होगी महीने का? ना पोछा ही पोछा, पूरे दिन रोज पोछा ही लग रहा है। क्या हुआ तुम्हारी हाइट का बेड हैं? थोड़ा दूर ना, आप भी मेरी हाइट की हो, जस्ट लेटी लो, कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। कैसे चढ़ेगा कोई, मम्मी लोग अगर आए तो कैसे चढ़ेंगे इस पे? मम्मी लोग ले आएंगे, जमीन पे कदम बिछा के देंगे, ढांग में तुम्हारी छोटे नीचे ले लो। नोनू कॉल कर रही है। यार मैंने लास्ट टाइम स्किल शेयर के बारे में एक ब्लॉग में बात करी थी तो शायद लोगों को पसंद आ गया, और उससे बड़ी बात यह कि स्किल शेयर की टीम को ज्यादा पसंद आ गया। तो दोस्तों आज के वीडियो के हमारे स्पॉन्सर है स्किल शेयर, और अब तुम लोग ये मत कहना गौरव क्या क्या बेचेगा तू, क्योंकि कुछ अच्छी चीज है, नई स्किल मिल रही है, एक्वायर कर लो ना यार, मिल रहा है तो। अच्छा दोस्तों क्या है ना, देखो आपको पता है इंसान में सीखने की चुल तो होती है, तो स्किल शेयर इज बेसिकली एन आंसर टू दिस प्रॉब्लम ओनली। इट्स एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विद थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस फॉर क्रिएटर्स, तो जो भी चीज़ें आप इंटरनेट से सीख सकते हो जैसे कि अपने यूआई डिजाइन हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, फिल्म एडिटिंग, मार्केटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें इजीली जाकर के स्किल शेयर पे उसकी क्लासेस ले सकते हैं। अब ये नहीं कहीं आप मेरे को बोलो प्लेन उड़ाने की क्लास मिलेगी क्या, या बाईपास सर्जरी करना सिखाएंगे क्या, तो वो नहीं मिलेगा। मेरे को ये यूआई डिजाइन, ग्राफिक, एनिमेशन बहुत अच्छा लगता है, पर अभी मेरी औकात के बाहर है। तो देखो मैंने एक बहुत ही सिंपल सी क्लास ली बाय सेलेब बैबकॉक एंड नाइल्स ग्रे, विच इज़ ऑल अबाउट यूजिंग योर आईफोन फॉर फिल्म मेकिंग, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ आईफोन, आपको पता ही है, हमारा सारा ब्लॉग्स भी इससे ही बनता है, कुछ कुछ हल्के फुल्के शूट्स भी इससे होते हैं। मतलब अपना जो स्टैंड अप है वो मैं इसमें शूट नहीं करता, क्योंकि स्टैंड अप जो है वो लो लाइट के अंदर शूट होता है, वहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू डू इट फ्रॉम आईफोन। एंड एक्जैक्टली सेम थिंग वॉज टोल्ड टू मी इन द स्किल शेयर क्लास। यार आपको यकीन भी नहीं होगा इतने छोटे से फोन से कितने तगड़े वीडियो शूट कर सकते हो, बस थोड़े से एक्सेसरी और थोड़े से एडवांस फीचर्स यूज करने हैं। और दोस्तों क्लासेस 30 मिनट से लेकर 6-7 घंटे तक की है। इफ यू वॉन्ट टू गो प्रो इन अ पर्टिकुलर फील्ड उसकी क्लासेस भी है, और इफ यू जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड स्टार्ट ऑफ इन अ पर्टिकुलर फील्ड तो उसकी क्लासेस भी है। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब एक बार स्टार्ट करके देखो, एक बार इंटरेस्ट आ गया फिर तो देर इज नो एंड। देखो दोस्तों यहाँ पीछे नो डाइविंग लिखा है, पर आपको स्किल शेयर में कूदना पड़ेगा टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ योर लर्निंग। बात आती है पैसों की, क्योंकि मेरे को पता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है, ये सब तो मैंने ज्ञान दे दिया, जनता कह रही है वो बता पैसा कितना लगेगा। तो द सब्सक्रिप्शन इज लेस देन 2400 रुपीज अ ईयर, एंड इन दैट यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द क्लासेस इन स्किल शेयर, समझ रहे हो, मतलब महीने का 200 रुपए से भी कम। आपको पता है 200 रुपए में 2 सुशी भी नहीं आती। एक दिन मैं एयरपोर्ट पर गया था, 420 रुपए का एक आलू का पराठा खा लिया था मैंने,
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सस्ता है और लर्निंग का अंबार तो है ही। ऑल्सो दोस्तों वन लास्ट थिंग, पहले 1000 लोग जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करेंगे, दे विल गेट फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट मंथ। ये मेरा व्लॉग आगे देखना, फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, समझ गए? ये नहीं खत्म करके आगे चले आओ। शो दो उधर रहेगा, जरा कचौड़ी हो जाए। चाटनी हुई थी हा? अब बोलो। चाटनी करा? भूल गया था। 10 मिनट की बातें कर चुके, स्टार्ट ही नहीं करा इन्हें। तो मैंने कहा व्लॉग तो होता रहेगा और शाम का शो तो होता ही रहेगा, सवेरे जरा कचौड़ी हो जाए। रावत की कचौड़ी फेमस है जयपुर में, इतना हल्ला सुना है मैं, देखो जरा हल्ला ही है कि सच में अच्छी है। अभी जा रहे हैं, मैम को तो मन हो रहा था कहीं कैफे में जाते हैं। अरे ओ माय गॉड, खड़ा होकर खाना पड़ेगा क्या? तो हाँ खड़ा होकर खाना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं रावत कचौड़ी खाने, फिर हम तो आराम करेंगे। दिल्ली से आओ तो यही रोड आती है, हम लोग चिल करेंगे, ये लोग ड्रिल करेंगे। दुकान के लिए माल खरीदेंगे, बस हमारी जिंदगी वही की भाई। पहले विकासपुर की बैटरी और अब जयपुर की बैटरी। कोई मॉन्यूमेंट वगैरह आज देखने का प्लान है नहीं, देखते हैं शाम को एक जगह, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, क्या था उसका नाम भूल गया ना मैं। अपने ब्लॉग से रेफरेंस लेके फिर उस जगह जाएंगे। सी यू जयपुर में। ये बहुत वही खाने जा रहे हैं, कचौड़ी उसी के भाई की कचौड़ी फैली जा रही है यहाँ पे। गर्म कचौड़ी अच्छी लग रही है। हाँ पिछले महीने शायद तो ठंडी खाई थी तो मेरे ठीक लगी थी। ओके दोस्तों, आफ्टर डे एट रात कचौड़ी खाने के बाद होटल वापस आ गए मैं और श्रेया। ये श्रेया ने मुझे बोला कि मैं आगे चलूंगी, तू मेरा वीडियो ले। बड़बड़ करके क्या बोलूंगा, अच्छी प्रॉपर्टी, इधर पूल भी है एक, सही है। गर्मी हो रखी है बस थोड़ी, पीछे पे चल रहा हूँ और मैं क्या ही करूँ। यहाँ पे रूम्स वगैरह होते होंगे ना, लेकिन पूरे आपको फॉलो करते चल रहा हूँ। बस हम अपना घर ऐसी बना, इसको इस इंटीरियर को 2-3 BHK में डाल दो। तू जब नीचे जाएगा तो मैं तुझे बाय करूँ। ये जंग ऑडियंस के साथ जो मेरी जंग होती है शो के अंदर, यहाँ बैठ के बाय करोगे। पुराने जमाने की रानी है ना, यहाँ पे पुराने जमाने की दासियाँ खड़ी होती थी। तो इतनी छोटी बालकनी में उन्हीं को जगह मिलती थी। मुझे यहाँ के लोकल लोग ये सोचते होंगे ना, अरे आ गए फिर से हमारे रोज की लाइफ देख कर गए। ओके दोस्तों, तो फाइनली श्रेया ने थोड़ी शॉपिंग करी है इधर से, हम गए थे अनोखी कैफे जो कि काफ़ी सही है, और अभी जा रहे हैं पापा से मिलने। वो माल खरीदने में लगे पड़े सुबह से। और नो नो ऑटो में मस्त मजा, फालतू जाम जो में ऊबर ऊबर बुलाने के चक्कर ही नहीं, क्योंकि आसपास के सिंधी कैम के आसपास के एरिया में ही है, मतलब विद इन 5 किलोमीटर, तो ऑटो ही बेटर है। पता नहीं विकासपुरी में कौन से कपड़े आने वाले, बंदे पैदल ढूंढ ढूंढ के ले रहे जयपुर की सड़कों पे। पिछली बार दुकान जहाँ से मार लिया था तो दुकान का नाम ही भूल गए। होलसेलर का नाम बता रहे। ओके हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वी जस्ट डिड अ शो इन जयपुर एंड लुक एट एवरीवन। हेलो गाइस, हेलो हाय, हेलो सर कैसे हैं, हेलो मैम। पहले घर के बड़ों से मिलवाने दो, ठीक है सर? नमस्ते, नमस्ते मैम, कैसे हैं, कैसे आपको अच्छा लगा? फैमिली ऑडियंस को आना चाहिए मेरे शो में, शाबाश। और बताओ कैसे, सही है? वेरी नाइस। देखो तीनों मैम सबका ही सेम हेयर स्टाइल, ये है असली सर डैन बिल्जेरियन। थैंक यू सो मच। ये एक फिटनेस एंथुजियास्ट, तीन लोग यहाँ पे, ये एक लड़की है जो यहाँ पे ट्रेनर है, तीसरे नंबर पे जो बैठी है, ये डाइटिशियन है, और अपने दो लोगों को बुला के फ्रेंच फ्राइज खिलाई है यहाँ पे शो के अंदर, अपने क्लाइंट्स को लेकर के आई फ्रेंच फ्राइज, 3 बियर बुरी तरह ठूसे हैं। पता नहीं कौन सी डाइट चल रही है जयपुर के अंदर। एक और लोगों से मिलाएंगे दोस्तों, रुको। तो ये शराबी, इसने शो थोड़ा थोड़ा एंजॉय करा है, बीच में उड़ करके इसने बियर पी है, और बियर में बियर तो ये मिक्सर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बेटे जितना तो खुश हो रहा है ना, अगले दिन तेरे जो तोड़ने वाला है, कल तू नंगा होकर घूमेगा पूरे घर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। इस साइड आई नो अ कपल ऑफ पीपल ओवर हियर आल्सो, थैंक यू सो मच। ये हमारे भाई आए, चार भाई, ये दिल्ली से आए जयपुर मेरा शो देखने, और ये यहाँ का ओनर खुद ही शराब पी रहा है, बताओ। इसका काम है दूसरों को पिलाना, खुद ही पी रहा बैठ करके। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई हैव यू एट अ गुड टाइम। एक लास्ट
दोस्तों ये मेरा दोस्त है पृथ्वी, जिसको गांधीनगर में मार पड़ी थी गुजरातियों से मार खाया था क्योंकि लड़कियों के कमरे में पकड़ा गया था। ओके थैंक यू सो मच बाय। Finally done with the जयपुर शो और आज सुबह सुबह की फ्लाइट लेके यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों आज है जयपुर में कोई बहुत बड़ा एग्जाम है जिसके लिए 20-25-10-12 लाख बच्चे आए हैं जयपुर के अंदर, तो इंटरनेट बंद हो चुका है। पहली बार मैंने देखा 22 लाख बहुत बच्चा आ गया भैया, तो ऑल द बेस्ट बच्चों को। पर अभी इंटरनेट बंद होते पहली बार देखा है, मतलब ऐसे लग रहा है अलग ही लग रहा है। शेयर ने कुछ तो पूछा किस चीज़ का एग्जाम है, मैंने वो इंटरनेट में देखा, मैंने कहा इंटरनेट बंद है उस एग्जाम की वजह से। एनीवेज तो अभी जाएंगे दिल्ली और आज गुड़गांव शो। जस्ट से थैंक यू टू माय इंटेलिजेंस क्योंकि सुबह उठ के आज जो उबर बुक कर रहा है। ओके हैप्पी मिसिंग योर फ्लाइट, हैप्पी मिसिंग योर ट्रेन। किसी को लग रहा है उबर ओला भी बुक हो जाएगी तो नहीं होने वाली है। वाईफाई शायद चलेगा, वाईफाई पे हो रहा होगा और नॉर्मल उस पर नहीं हो रहा अपने नेटवर्क पे। और भाई एक बात तो मैं भूल ही गया बताना यार, जयपुर की जनता भाई क्या ट्रिपी लोग आए थे भाई, मज़ा ही आ गया कल का शो करके। मतलब हर सिटी में आता है पर कल ऐसा था कि सामने से यूजुअली वी प्रेफर कि शो के टाइम में मैं सिर्फ परफॉर्म करूं और लोग परफॉर्म ना करें, पर कल एक एकदम भंडस्थ हालात में एक लड़की आई थी फुल भंड होकर के, पूरे शो में पैं 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 करी है, पर लकीली मैंने और बाकी लोगों ने मिल करके बचा लिया शो। एक टाइम बाद ऑडियंस भी उसके खिलाफ हो गई, कह रही चुप का, ऑडियंस भी कह रही चुप कर जा ये सब चल रहा था। तो थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया जयपुर का शो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए ग्रेट रिस्पॉन्स। विल बी प्लानिंग जयपुर वेरी सून, मतलब वेरी सून इन द सेंस प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ओनली। ये देखो एक लड़की कितना थॉटफुल सा गिफ्ट लेके आई, दिस गर्ल रूटेड इंडिया इसका इंस्टाग्राम हैंडल है एंड जी एस, इसने बताया भी है कैसे प्लांट को मेंटेन करना है, तो बहुत सही है। अब बस इसको मेरे को लग रहा है फ्लाइट में लेके जाने देंगे नहीं जाने देंगे, आई होप लेके जाने देंगे। लेट्स सी, आ गया फोन नीचे से, चलो कैब आ गई है।